हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक पर यहाँ पर भर्ती निकला हुआ है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस बार जो सीट है वो रखा गया है। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका कई सारे सवाल होते हैं कि सर हमारा कितना परसेंट हो तो हम इस फॉर्म को भरें, कैसे फिल करें, जो इसका डेट रखा गया है वो कब तक रखा गया है, जो चयन का प्रक्रिया होगा वो क्या होगा, क्या इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, या जो इसका मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो किस आधार पर तैयार होगा, तरह तरह के आपके क्वेश्चन हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सारा कुछ क्लियर कर देते हैं ताकि आप इस फॉर्म को जो है अच्छे से फिल कर पाएँ, भर पाएँ। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप कोई गवर्नमेंट जो पहले से कर रहे हैं 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार रुपये का, फिर आपको ये फॉर्म जो है भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जिसमें आपका सैलरी 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार रुपया है या फिर उससे एबव है, तो ऐसी स्थिति में आप इस फॉर्म को फिल ना करें। हाँ, यदि आपके पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई भी प्राइवेट जॉब नहीं है और आप चाहते हैं कि 4 से 5 घंटा करके आपको 10,000 या फिर 12,000 का कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो वैसे में आपके लिए ये फॉर्म बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। यहां पर इसका जो सबसे बेहद और सबसे खास बात है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का इंटरव्यू या फिर किसी भी प्रकार का इसमें एग्जाम आपको नहीं लिया जाएगा। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन यहां पर आपको रखा गया है मात्र मैट्रिक पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक पास जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो छात्र हैं या फिर छात्र हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑनलाइन का प्रक्रिया जो यहाँ पर चालू हुआ है वो 2/5/2022 से चालू हुआ है, जो कि 5/6/2022 तक यहाँ पर लिया जाएगा। अब आइए नोटिफिकेशन पर एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट फॉर ग्रामीण डाक सेवक। यहाँ पर दो पोस्ट रखा गया है, एक BPM है और एक यहाँ पर डाक सेवक है, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर और दूसरा डाक सेवक। तो यहाँ पर आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अप्लाई करना, तो जिसमें सैलरी, क्योंकि अभी जो भी स्टूडेंट है वो अप्लाई करने से पहले एक बार वहाँ पर सैलरी जरूर देखते हैं, तो अच्छा खासा है। 4 से 5 घंटे की ड्यूटी है यहाँ पर और इसमें आपको 10 से 12 हज़ार रुपये मिलेगा, तो काफ़ी आपको सहूलियत हो जाएगी आगे का आपका। ऐसा नहीं है कि जो इसमें बताया गया है सैलरी वही सैलरी रहेगा, इसमें प्रमोशन भी होगा और आगे का आप कोई किसी भी तरह का एग्ज़ाम है वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसमें मेरा 10,000 ही रहेगा फिक्स, तो ऐसा नहीं है, एक साल के बाद आपको यहाँ पर जो सैलरी में है उसमें बढ़ोतरी भी किया जाएगा, ठीक है। ये शुरुआती दौर में आपको BPM के लिए 12,000 रुपया और ABPM के लिए यहाँ पर 10,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिक पास रखा गया है। एज की बात करें तो यहाँ पर 18 साल से लेकर 40 साल तक कोई भी स्टूडेंट या फिर विद्यार्थी है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ छूट के दिया गया है, जैसे SC ST के लिए 5 ईयर्स का और छूट दिया गया है, OBC के लिए 3 ईयर्स का छूट दिया गया है और EWS के लिए नहीं है, PWD के लिए 10 ईयर्स है और यहाँ पर PWD और प्लस OBC के लिए 13 ईयर्स है, और यहाँ पर जो डिसेबिलिटी यानी किसी प्रकार के उनके हैंडीकैप वगैरह है तो उनके लिए यहाँ पर 15 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एजुकेशन है वो मैट्रिक है, जैसा कि हमने आपको बता दिया। एक चीज़ आपको है, जहाँ से भी आप जिस भी सर्कल से अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का आपको, उस एरिया का आपको लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मान लीजिए आप बिहार से हैं, ठीक है, तो आप बिहार के लिए अप्लाई कीजिए या फिर झारखंड के लिए कीजिए, उत्तर प्रदेश के लिए कीजिए, उत्तर प्रदेश के सर्कल में कीजिए, तो यहाँ का लैंग्वेज जो है वो आपको पता है। लेकिन आप झारखंड के हो या फिर आप बिहार के हो और आप साउथ में अप्लाई कर दिए, केरल तरफ अप्लाई कर दिए, तो जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको काफ़ी सारा दिक्कत होगा, जिसमें आपको चयन की प्रक्रिया जो है उसमें दिक्कत होगी और आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जो रीजनल लैंग्वेज है जो आपको पता है वो वही आप वहीं से जो है वही सर्कल से जो है आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। आगे आपको बता दें, यहाँ पर आपको साइकिल चलाना, जनरली सभी लोगों को यहाँ पर साइकिल चलाना आता है, साइकिल नहीं तो भाई मोटरसाइकिल तो चलाते ही होंगे, तो साइकिल कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप साइकिल चलाना जानते होंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई इसमें कर सकते हैं, और अभी सभी लोग जो साइकिल है वो चलाते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, मैट्रिक में वैसे सबका इंग्लिश होता ही है सब्जेक्ट में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर कहा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि अगर हम ये फॉर्म अप्लाई करें तो हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो वो ये सोच में है कि हमारा परसेंटेज कम है। देखिए, पिछली बार जो यहाँ पर सीट रखा गया था वो काफ़ी कम रखा गया था, ठीक है, और इस बार जो सीट रखा गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर 38,926, तो यहाँ पर इस बार काफ़ी लंबा सीट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम जाएगा पिछले बार के मुताबिक। जैसे पिछला बार अगर 95-90 गया तो इस बार आपका 80-85 इसके मुताबिक जाएगा, और फिर उस जगह पर
डिपेंड करता है कि जिस जगह जिस सर्कल के लिए आपने अप्लाई किया है वहां पर कितना आवेदन गिरा है उसके हिसाब से यहाँ पर होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपका 75% से एबव है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 75% से नीचे है और आप एससी एसटी में आते हैं तो तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ठीक है। एक बार आप चांस लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 70% भी एबव है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, हाँ उससे नीचे वाले नहीं करेंगे। सो 75% वाले तो एकदम 100% यहाँ पर गए, तो ज़्यादा फी भी नहीं, यहाँ पर आपको 100 रुपये मात्र देना है। तो एक बार 100 रुपये अप्लाई करके आप छोड़ दीजिए, अगर आपके नसीब में होगा तकदीर में होगा तो यहाँ पर आपको ये जॉब लग जाएगा। इसमें क्या है, बिल्कुल एग्जाम वगैरह भी नहीं देने की टेंशन है आपको, कोई टेंशन ये भी नहीं है कि आपको कहीं पर ट्रेन से जाना है, भीड़ भाड़ धक्कम धुक्कम में जाना है, उधर खाने पीने का खर्च वगैरह, ट्रेन वगैरह का किराया भाड़ा कुछ तो लगना ही नहीं, मात्र 100 रुपये लगना है। तो आप 100 रुपये एक बार लगा करके इसमें छोड़ दो अगर आप ये जॉब करना चाहते हो तो, और फिर इसको जब मेरिट लिस्ट आएगा उस टाइम आप अपना देख लेना इसमें कि आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। तो मात्र 100 रुपये लगना है, आप एक बार इसको आवेदन कर दीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन लाइफ सर्कल यहाँ पर दिया गया है, जैसे जो भी सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे बिहार के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, हरियाणा के लिए, गुजरात के लिए, दिल्ली के लिए, जहाँ के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिहार से हैं तो अपने एरिया में ही करिए, क्योंकि जो जॉब है वो आपको सेटिस्फाइड रहेगा और आप कंफर्टेबल रहेंगे। अपने एरिए से ज़्यादा दूर जाएंगे तो फिर वहाँ पर 10,000-12,000 आपको जो सैलरी मिलेगा उसमें आप कितना रूम का किराया दोगे, कितना आप खाओगे, क्या बचाओगे, तो अपने लोकल क्षेत्र में ही इसको चूज़ करें। लोकल क्षेत्र में चूज़ करने से क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो काफ़ी आसान होगा और ऐसे में आपका जो खर्च है वो भी बचेगा और सॉलिड आपका जो यहाँ पर पैसा है वो आपको बचेगा। तो आप एक बार सर्कल में ज़रूर देख लें कि आपका जो यहाँ पर सीट है वो कहाँ कहाँ है और यूआर कहाँ पर है, एससी का कहाँ पर है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर हमने किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिया गया है। कोई रोहतास से होगा, कोई सहरसा से होगा, कोई समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली, वेस्ट चंपारण, जहाँ से भी आप होंगे वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, या किसी दूसरे जिले से भी आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन अपने सूटेबल अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो अगर गया डिस्ट्रिक्ट में हम गए तो यहाँ पर जितने भी ऑफिसेस हैं वो आपका यहाँ पर दिया गया है और यह पोस्ट डिटेल भी यहाँ पर दिया गया है। तो कहाँ पर कौन सा सीट है यहाँ पर देख सकते हैं आप, एससी के लिए एक सीट है, यहाँ पर ओबीसी के लिए है, यहाँ पर यूआर के लिए एक सीट है, तो इस तरीके से दिया गया है। और फॉर्म भरने में किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो रजिस्ट्रेशन है उसमें बेसिक डिटेल्स, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका मैट्रिक के हिसाब में जो सर्टिफिकेट में नाम है वो नाम डालना है, और यहाँ पर जो आपका मदर का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, उसके बाद कम्युनिटी अपना डाल देंगे, सर्कल डाल देंगे, 10th पास का, ठीक है, कहाँ से आपने 10th पास किया था, उसके बाद यहाँ पर जो पासिंग है, जो मैट्रिक आपने पास किया वो कब किया वो डाल देंगे, उसके बाद इस कैप्चर को फिल करके सबमिट करेंगे और ये वाला दोनों आप यहाँ पर जो है आपको वैलिड कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा तो यहाँ पर आपको ओटीपी जाएगा, सबमिट करके फिर आगे का प्रोसेस आपको करना है। तो आगे का प्रोसेस में आपका जो फी है वो 100 रुपया का लगेगा, उसके बाद अप्लाई है, अप्लाई करने के बाद जो है आप उसको फाइनल सबमिट कर देंगे। एप्लीकेशन स्टेटस आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो प्रॉपर पर्टिकुलर लाऊं कि किस तरीके से अप्लाई करना है, चूँकि यहाँ पर जो प्रिफरेंस है जो उसमें लोग दिक्कत हो रहा है उसमें लोगों को, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। वहाँ पर प्रिफरेंस में आपको वही भरना है कि जहाँ पर आप सबसे पहले जो चाहते हो वो उसका नंबरिंग के हिसाब से आप डाल दीजिए। जैसे एक नंबर में अगर कोई जगह आपका सूटेबल लगता है तो आप एक नंबर डालिए, दो नंबर डालिए, उस प्रिफरेंस में आपको पिछले वीडियो में मैंने ऑनलाइन अप्लाई करके बताया था। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक ऑनलाइन करके वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। और वैसे आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो या फिर नहीं, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही एक और फ्रेश टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड, तो अपने प्यार का ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।